हम आ गए हैं, अभी चले हैं वापस। हम आ गए नींद से उठ के। नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है। हम चले थे 3:30 बजे चले, और पहुंचेंगे 8:30 है ना। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, 8 बज जाएंगे ना। इलेक्ट्रिक स्कूटियां चलेंगी। अच्छा, और ट्रक इलेक्ट्रिक स्कूटियां ला ली एक। उतार लो, पता नहीं कौन से ट्रक में देख रहे हैं। कितने बजे पहुंचेंगे हम? अभी चाय पिला के लाई हूं। मुंह देखो कैसे खुला है। 8 बजे पहुंचेंगे। मैंने तो नींद आ रही है यार। की करिए फिर ना, सोजिए थोड़ी देर। रास्ते से कार साइड पे ला, एसी चला के सोए। एसी चलाइए पहले ना यार। थे ना वो तो बिचो करा लिए डाउन से लो ले चो लवा ली। कहंदे ने सारा कुछ आईटा ची कराना है। फिर अगले कुली देंगे, पीछे किसी ने नहीं जाना तो ला ली। फिर अगले कुली ले। सही है यार, आईडिया होती है। नहीं, ठंडी ठंडी कार जाओगी, नींद भी आनी आऊंगी। तो आला यार सीएनजी। अब हम लगे हुए लाइन में सीएनजी के लिए। मिस्टर बजाज कह रहे हैं एक स्कूटरी उतार लेते हैं हम। उतारनी है मिस्टर बजाज? सोच तो रहा हूँ। कौन सा कलर? सारे सेम ही कलर। चार्ज लगाएंगे, भगा के ले जाएंगे। जिस दिन मौसम सही होगा स्कूटी पे ऑफिस। हमारी टर्न आ गई है सीएनजी की। सीएनजी डलवा के जाएंगे। 3:30 चले थे, 4:30 हो गए हैं। पता नहीं यार कितने बजे पहुंचेंगे। नींद इतनी आ रही है, सामने देखो तो नींद आने लग जाती है। आंखें इसलिए नहीं बंद करती कि मिस्टर बजाज को भी नींद ना आए। बहुत मुश्किल है यार इतना लंबा सफ़र कार चलाने की। एक हमने खाई पूड़ियाँ और आलू हुए हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ खाने के बाद। तो वैसे ही इतनी ज़्यादा आती है। चाय भी पी के आए हैं, चाय तो पता नहीं कहाँ गई, चाय पीने का कोई असर ही नहीं हुआ। ये बना हुआ है माँ का मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में ही। सारा सिंदूरी कलर का बना हुआ है। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है करनाल, और मैं दिखाऊंगी। जब हम आए थे कल तो हमने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर देखे थे। जैसे करनाल का मुझे हिस्ट्री नहीं पता है, पर उसके वेलकम पे ही लिखा हुआ था, मतलब दानवीर करण ऐसे कुछ लिखा हुआ था, मतलब दानवीर करण की भूमि पर आपका स्वागत है ऐसे कुछ था। तो सारे मतलब हिस्ट्री अच्छी होगी करनाल और कुरुक्षेत्र की, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं भी जाके देखूंगी सारा कुछ यूट्यूब पर। सो इतने अच्छे मंदिर बने हुए हैं, बाहर से ही देखने में इतने अच्छे लगते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, हम जैसे जैसे जाएंगे मैं आपको सारे मंदिर दिखाती जाऊँगी बाहर से। इतने अच्छे मंदिर बने हुए थे। काली माता का भी मंदिर बना हुआ था, सारा ब्लैक कलर का था। तो एक माता रानी का और शिव भोले का मंदिर था, वो पूरा ऑरेंज कलर का था। बाहर से मैं दिखाती हूँ आपके सारे मंदिर दिखाऊंगी, मतलब जितने भी मुझसे रिकॉर्ड हुए, क्योंकि कार की स्पीड भी फास्ट होती है। सो जितने मुझसे वीडियो बन पाई, जितने रिकॉर्ड हुए मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते में। आगे आगे आप देखते रहना, ये मत सोचना कि रास्ते की वीडियो बना रखी है, वो रास्ते की वीडियो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ कैप्चर किया होगा मैंने, ध्यान से देखना आप। मंदिर की वीडियो बनाऊंगी, तो ये मत सोचना कि ये तो रास्ते की वीडियो है, आगे कर दो, पूरी वीडियो देखना गाइस। ये बना हुआ है ड्रीम लैंड, बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरे फेवरेट झूले लगे हुए हैं, और ये लगी हुई है चंडोल, पंजाबी में बोलते हैं, मेरे फेवरेट झूले हैं सभी। मौसम बहुत खराब हो गया। ये बना हुआ है श्री घंटाकरण महावीर मनोहर द्वार। ये करनाल स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ये बना हुआ है गुरुद्वारा, और आगे भी कुछ बना हुआ है दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, मस्जिद टाइप लग रहा है, मस्जिद लग रही है, और झंडा तो गुरुद्वारे वाला ही लग रहा है। पता नहीं यार क्या बना हुआ है, पर बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। ये बना हुआ है प्राचीन श्री कर्णेश्वरम महादेव मंदिर। यहाँ करनाल में सारा कुछ करण के नाम पर ही बना हुआ है। ये आ गया है गुरुद्वारा, ये आ गया है फिर से महादेव का मंदिर, और इस मंदिर के ऊपर बना हुआ है शेषनाग, वासुकी नाग।
बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तेज, मौसम हो रखा है बहुत ज्यादा खराब। बस सही सलामत घर पर पहुंच जाएं। ये बना हुआ है डेरा, डेरा बाबा जोध सचियार, जोध बाबा का डेरा बना हुआ है ये। ये आ गया है माता रानी का मंदिर। ऐसे ही एक काली माता का मंदिर आया था, पूरा ब्लैक कलर का बना हुआ था। वो वीडियो रिकॉर्ड करना मतलब जल्दी जल्दी में निकल ही गया वो। हमें लग रही है भूख, हम खाएंगे ये। जीजू ने दिया है हमें घेवर जो मलाई वाला है, मुझे बहुत स्वाद लगता है। मिस्टर बजाज ने पहली बार खाया है, मैंने तो बहुत बार खाया है अम्बाला का घेवर, बहुत टेस्टी होता है। ये आ गया है एक और मंदिर। हमने सारे मंदिर जाते टाइम देखे थे, इसलिए मैंने सोचा सारी सभी मंदिर की वीडियो बनाऊंगी। ये मंदिर भी देखा था, हनुमान जी और शिव भोले का मंदिर है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनी है मंदिर के बाहर, बहुत अच्छी बनी हुई है। सनसेट कितना अच्छा लग रहा है यार। हम एंटर कर गए हैं गुड़गांव में और 15-20 मिनट तक घर पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी के बाहर। थकावट इतनी हो चुकी है, आप शक्ल देख सकते हैं मेरी। तो मिस्टर बजाज पैक कराने गए हैं हमारा डिनर। हमने खाना था स्प्रिंग रोल और मोमोस। तो घर पे तो ना कोई सब्जी है, सब कुछ ख़त्म है, तो क्या बनाएंगे घर पे जाके। सब्जी हमारी लाने वाली थी तो हमने सोचा कुछ बाहर से ले जाते हैं। स्प्रिंग रोल और मोमोस ख़त्म है यहाँ पर, तो मिस्टर बजाज पैक करवा रहे हैं नूडल्स और क्या करवा रहे हो बाहर से देख रहे हैं मुझे, और करवा रहे हैं क्या था अभी बता के गए थे मुझे, मैं ही भूल गई, नूडल्स और मंचूरियन पैक करवा रहे हैं। तो बस हम 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे पैक करवाने के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हम आज रात रेस्ट करने की है, बहुत थकावट हो चुकी है 2 दिन की। सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब भी, और कमेंट करके बता दिया करो कि ब्लॉग कैसे लगा। मैंने पीछे से सारा खिलारा उठा दिया है, देख लो सारा प्रसाद वगैरह हमारा पीछे ऐसे ही पड़ा था, सब कुछ बैग में डाल लिया मैंने।